मैं आपका बहुत स्वागत करता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुण कुमार त्रिपाठी है जी। त्रिपाठी जी, किस क्षेत्र में काम कर रहे हैं? हम जो है आम आदमी के लिए कोई भी समस्या हो उसके लिए काम कर रहे हैं, सभी समस्याओं के लिए काम कर रहे हैं। भारतीय शोषित सेना के सचिव हैं यूपी के। अच्छा, सेना बना रखी है? क्या सेना, क्या नाम है? भारतीय शोषित सेना। भारतीय शोषित सेना, वाह त्रिपाठी जी, क्या बात है, गजब है। वेलो तो आपने रस्ते पे तो सही है। शोषित, इसमें शोषित में कौन कौन है आपके यहाँ हिसाब से? ना, हमारे साथ तो हजारों लोग हैं, बहुत से लोग हैं। नहीं, आपके हिसाब से जो शोषित है वो कौन है? शोषित और दलित विशेष कोई जाति नहीं होती है। हाँ। उसमें सवर्ण लोग भी जो है शोषित हो सकते हैं। हाँ। ब्राह्मण भी गरीब हो सकता है, क्षत्रिय भी गरीब हो सकता है। शोषित और दलित विशेष जाति के लोग नहीं तो हैं, होते हैं। हर आदमी शोषित हो सकता है और गरीब हर आदमी हो सकता है। तो मैं त्रिपाठी जी, मैं कोई बहस नहीं कर रहा था, मैं तो सिर्फ थर्मामीटर लगा के देख रहा था कि आपका टेम्परेचर कितना है। वरना आपने कोशिश कर रहा था गुरु जी कि टेम्परेचर कहाँ पे है आपका, तो मैंने देख लिया वो अभी सामान्य है, चलेगा अभी। अभी इसमें थोड़ा सा तड़का लगेगा तभी मजा आएगा। कहाँ से आई आप दोनों लोग? कहाँ से? सर, झालावाड़ से, राजस्थान। झालावाड़ से, राज, बड़ी गजब की जगह है साहब। दिल्ली में ही सफदरजंग में ही जॉब करता हूँ सर। सफदरजंग में कर रहे हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपका। आपका नाम? चेतन राठौर। चेतन राठौर, आपका? निकिता राठौर। निकिता, बहुत आराम से बैठिए, खड़ी रहिए, जब मन में इच्छा हो कुछ बोलने की तो जरूर बोलिएगा, और वरना प्रोग्राम देखिए। और मैं सभी लोगों से मुझे मालूम है, अभी तो बहुत कुछ बोलोगे तुम, थोड़ा तो नहीं ज्यादा बोलोगे जी। कहाँ से आना हुआ? नांगलोई से, दिल्ली नांगलोई। नहीं, दिल्ली नांगलोई से, नांगलोई दिल्ली के ही रहने वाले हो ना, वो तो देख के अंदाज से ही पता चल जाता है मुझे, नांगलोई का आदमी कैसे बोलेगा। जो आज मेहमान है उनका तारुफ कराते हैं, ऋतु चौधरी जी कांग्रेस के, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जयराम विप्लव जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सूर्या मैथिल जी, तबीयत इनकी भी ठीक नहीं है आज, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हल्ला कम मचेगा है ना सूर्या? देखिए प्रतीक जी, हल्ला मचाने की बात नहीं है, सच को सच कहने की आवश्यकता है, और पूरी शक्ति से सच कहा जाता है। यहाँ के जो मेरे सारे मित्र खड़े हैं, इन सब की शुभकामनाओं से मेरी तबीयत अभी ठीक हो जाए। क्या बात है, गुरु गुरु चेला शक्कर हो गया, बहुत अच्छी बात है। आकृति भाटिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत दिनों बाद आज शो में आई है। हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। काले कपड़े में आई, अंदाजा आपने लगा ही लिया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हाफिज गुलाम सरवर साहब, हम अभी आता हूँ आपके पास, मजा आएगा मुझे। मैं बहुत देर से देख रहा था कि मेरी तबीयत कौन ठीक करेगा, आप ही लोगों से ठीक होगी। हाफिज गुलाम सरवर साहब जनाब मौजूद है हमारे साथ, AIUMM से है, बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना, थैंक यू सो मच। सैयद जवाद साहब कुछ देर में यहाँ पे आएंगे, और हमारे साथ रमनीश वस्त जी मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। दया शंकर जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला शुरू करें। पाजी कुछ बोलना है क्या, कुछ मन में है? हम ये बीजेपी वालों से पूछना चाहते हैं, जो क्या नाम है, रंजन गोगोई, जिनको सदस्य ने दिया है कि राफेल के चक्कर में उनको कैसे मोदी जी को क्लीन चिट दी उन्होंने, या अब तो आप हल्ला मचाते हैं खूब। अच्छा, क्यों हल्ला मचाते हैं? पुरानी तस्वीर खोल लें, पुराना चैप्टर खोलना चाहते हैं। तो दरअसल हुआ ये कि आज कांग्रेस के नेताओं ने काले कपड़े पहने, संसद में गांधी जी की मूर्ति के सामने प्रदर्शन किया। उन्होंने पूछा काले कपड़े क्यों पहने, तो कांग्रेस के नेता ने कहा कि काले कपड़े इसलिए पहने क्योंकि हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी की मांग कर रहे हैं, खासतौर से अडानी के मुद्दे पर, इसलिए काले कपड़े पहन के हम सामने आए हैं प्रोटेस्ट में, और इस बात के लिए सामने रखना चाहते हैं कि